हेलो Okay, hope I am audible. Please type yes if I am audible to you. अच्छा सुन पा रहे हैं ना जो प्रेजेंट है यस टाइप कर दीजिए अगर आप मैं ऑडिबल हूँ तो ओके सो गुड आफ्टरनून टू यू ऑल आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एकेडमी ऑफ अर्थ साइंसेस. देखिए आज का जो लेक्चर सीरीज़ है वो मेनली माइक्रो पैलियंटोलॉजी पे बेस्ड है. ठीक है, इसके बाद जो पैलियंटोलॉजी का टॉपिक है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा एंड देन वी विल डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास. इस क्लास में मेनली वी विल फोकस ऑन द फोरामिनिफेरा. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. सो सी व्हाट डू यू मीन बाय द टॉपिक माइक्रो पैलियंटोलॉजी. हम लोगों ने पैलियंटोलॉजी पढ़ा जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, इनवर्टिब्रेट्स देखे, वर्टिब्रेट्स हम लोगों ने देखा. ठीक है, प्लांट किंगडम्स देखा एंड दे आर द मैक्रोस्कोपिक टाइप. मतलब क्या है, दे कुड बी सीन बाय नेकेड आइज बट देयर आर मेनी सर्टन ऑर्गेनिजम्स विच कुड नॉट बी ऑब्जर्व बाय आवर नेकेड आइज एंड दे नीड सम माइक्रोस्कोपिक स्टडी. ओके, नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स दैट कम्स अंडर सच स्टडी, ओके दैट इज द स्टडी ऑफ द माइक्रो fossils, they are considered to be the part of the micropaleontology. So micropaleontology mainly deals with the study of the microfossils. समझ में आया? Microfossils जो है वो different types के होते हैं. ठीक है, वो different types के होते हैं और ये जो different types है वो कैसे determine किया जाता है, that is different parameters are there according to which the microfossils are grouped into different categories. यहाँ पे जो important है दैट इज़ द माइक्रोफॉसिल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर वॉल कम्पोजिशन क्या क्या है. ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो है. प्लीज़ कीप इन माइंड क्वेश्चंस बहुत आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कम्पोजिशंस ऑफ द माइक्रोफॉसिल वॉल कम्पोजिशंस के ऊपर से. जैसे दे देंगे कि फॉस्फेटिक कौन से हैं, कैलकेरियस कौन से हैं एंड यू हैव टू आंसर देम प्रॉपरली. सो कीप दिस टेबल इन माइंड. फर्स्ट व्हाट वी हैव इज़ द कैलकेरियस वॉल्ड फॉसिल. क्या क्या इंक्लूड करते हैं, दे आर द फोरामिनिफेरस, द ऑस्ट्राकॉड्स, द कोकोलिथोफोर्स, दे आर द नैनो प्लैंकटन्स. ओके, कोकोलिथोफोर्स जो है वो नैनो प्लैंकटन्स है. देन सेकेंड क्या है, द सिलिशियस वॉल्ड. मतलब क्या है, सिलिकेट कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोफॉसिल्स दैट कंप्राइजेस ऑफ सिलिका. वो क्या है, रेडियोलोरिया, डायाटॉम्स, सिलिको फ्लाजिलेट्स. ठीक है, फॉस्फेटिक वॉल्ड कौन से माइक्रोफॉसिल होते हैं, दैट इज द कोनोडोंट. बहुत बार क्वेश्चन में आते हैं कि विच ऑफ द माइक्रोफॉसिल इज फॉस्फेटिक इन कॉम्पोजिशन, प्लीज रिमेंबर कोनोडोंट. ठीक है, और ऑर्गेनिक वर्ल्ड कौन से हैं, जो ऑर्गेनिक वर्ल्ड माइक्रोफॉसिल्स है वो क्या क्या है, दैट इज द एक्रिटार्च, द डायनोफ्लैजिलेट, द स्पोर्स एंड पोलेंस. ठीक है, समझ में आया कि कैलकेरियस क्या क्या है. मतलब मेनली जो वर्ल्ड कॉम्पोजिशन है वो किस टाइप के होते हैं, दैट इज आइदर CaCO3 कंटेनिंग और सिलिका कंटेनिंग और फॉस्फेटिक इन नेचर और ऑर्गेनिक. अब क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल कंपोजिशन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोफॉसिल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्या हम देख रहे हैं, वी विल स्टार्ट विद द फोरामिनिफेरा. अब जो ये फोरामिनिफेरा हम लोग पढ़ने वाले हैं उनका कुछ जो पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं विच इज़ द फाइलम विच इज इन विच द फोरामिनिफेरा इज इट कम्स अंडर. ठीक है, इन द केस ऑफ फोरामिनिफेरा ये क्या है, दिस इज़ अ ऑर्डर ऑफ अ
Now the single-celled protozoa. The foraminifera is the order of the phylum protozoa. The protozoas are the single-celled eukaryotic organisms. Okay, and the foraminifera, they are mainly of two type. That is the benthic, जो कि सी बॉटम में रहते हैं, या फिर पिलाजिक विच कैन बी वैग्रेंट इन नेचर. ठीक है. द सॉफ्ट टिश्यूज विद दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म दैट इज प्रेजेंट विद इन द फोरामिनिफेरल बॉडी. ये जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है ना, इट्स एक्चुअल बॉडी इज सॉफ्ट इन नेचर. सो इट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म ऑफ द फोरामिनिफेरिक सेल, ये किससे इनक्लोज्ड होता है? दिस इज इनक्लोज्ड बाय अ हार्ड कवरिंग known as the test. फिर test क्या है? The test encloses the organism. Okay, the soft body parts of the organism. And ये जो soft parts enclosed होते हैं with this hard outer covering, इसको हम क्या बोलते हैं? Test. Please keep in mind, the test consists of chambers. अब देखो, generally हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है in the invertebrate paleontology, कि विद द इंक्रीजिंग साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म देयर आर कंटिन्यूअस चेंबर्स दैट इज बीन एडेड एंड दैट चेंबर ऑल्सो इंक्रीज इन साइज सो दैट द ऑर्गेनिज्म कैन एकोमोडेट देमसेल्फ विद इन द न्यू चेंबर्स. ठीक है. सिमिलरली जो फोरामिनिफेरा है, इट विल ऑल्सो इंक्रीज इन साइज एंड अकॉर्डिंगली न्यू चेंबर्स विल बी एडेड. सो द टेस्ट, ये क्या होता है? इनिशियली एक चेंबर होता है, उसके बाद और एक चेंबर एड होता है एंड अकॉर्डिंगली चेंबर्स आर एडेड. ठीक है. ऐसे करके जो चेंबर्स ऐड हो रहे हैं, वो कहाँ पे ऐड हो रहे हैं? दे आर एडेड पीरियोडिकली. ठीक है. एंड दीज चेंबर्स दे नीड टू बी रिमेन कनेक्टेड. ओके, दीज चेंबर्स दे आर कनेक्टेड बाई ओपनिंग. ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? Foramen. We have studied before that the opening that connects the chambers internally, they are known as the foramen. And these chambers, like these chambers, they are connected internally by the opening known as the foramen. ठीक है, foramen से connected है. और क्योंकि ये chambers जो foramen से connected हो रहे हैं, इसीलिए we call these groups as the foraminifera. ठीक है. जहाँ पे foramen का मतलब क्या है? Hole or orifice, that is the opening. And fera means bearing, means the chamber bears opening through which they are connected internally. ठीक है. Now in the case of the foraminifera, ये जो group है, ये कब से occur किया है? That is, it came into existence from early Cambrian and it is present till date, and it has reached its maximum abundance or the acme during the Cenozoic time. ठीक है. मेनली जो फोरामिनिफेरा है, वो अर्ली कैम्ब्रियन से रिसेंट डे तक वो पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो मैक्सिमम एबंडेंस, दैट इज़ द एक्मी. आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन एनी स्पीशीज शोज मैक्सिमम एबंडेंस विद इन अ पर्टिकुलर स्ट्राटा और अ टाइम रेंज, दिस इज नोन एज द एक्मी. ओके. नाउ they had reached their acme, that is the maximum abundance has been shown by the foraminifera cup Cenozoic mein. theek hai. then kya hai types of foraminifera? ab dekho, foraminifera to hum pad rahe hain, lekin jo foraminifera hai unme different types hai. unko janne ke liye kya hai, there are two types, that is the planktonic and the benthic foraminifera. ab dekho, jo planktonic foraminiferas hai, as the name suggests, they are planktonic in nature. सो दीज फोरामिनिफेरास दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन. ठीक है, ओपन ओशन में पाए जाते हैं और वो सिंगल सेल्ड है. पहले ही मैंने कहा था कि दे आर कंसिस्टेड विद इन द फाइलम प्रोटोजोआ. द प्रोटोजोआज दे आर सिंगल सेल्ड. सो फोरामिनिफेरास क्या होंगे? दे आर सिंगल सेल्ड. ओके, दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर विद अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड दे आर कंसिस्ट प्रेजेंट इन द फाइलम प्रोटोजोआ. नाउ इन द केस ऑफ द प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरास जो है, उनमें क्या चेंबर्स देखा जाता है? दैट इज़ दे आर मल्टी चेंबर्ड इन नेचर एंड दे हैव अ कैल्साइटिक शेल. अभी मैंने कहा कि फोरामिनिफेरा क्या कंपोजिशन क्या है? कैल्केडियस इन नेचर. सो दीज प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरास क्या देखा जाता है? उनमें सिंगल शेल नहीं होते, उनमें मल्टीपल चेंबर्स होते हैं. ठीक है. द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चेंबर्स एंड दीज आर कैल्सिटिक इन नेचर. दे इनहैबिट्स ऑल लैटिट्यूड्स. वो डिफरेंट लैटिट्यूडनल एरियाज में पाए जाते हैं, लेकिन चीफली वो फोटिक जोन्स में पाए जाते हैं, दैट इज वेद द सनलाइट
or the sun's rays penetrates the ocean water. Kyun? Because they are planktonic in nature. They have to conduct photosynthesis, and that is the means of their by which they synthesize their food. सो इन द केस ऑफ प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरा वो कहाँ पे पाए जाएंगे? वो फोटिक जोन में पाए जाएंगे. ठीक है, फोटिक जोन क्या है? दैट इज द डेप्थ अप टू विच द सन्स रेज पेनिट्रेट विद इन द ओशन वाटर. ठीक है, ये फोटिक जोन में पाए जाते हैं, जनरली 100 मीटर ऑफ वाटर डेप्थ में पाए जाते हैं. ओके, नाउ सेकेंड इज द बेंथिक फोरामिनिफेरा. अब देखो, प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरा तो समझ में आया कि वो क्या है. दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, वो ओपन ओशन में पाए जाते हैं, वो सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक प्रोटोजोआज है. ठीक है, एंड देयर टेस्ट इज मल्टी चेम्बर्ड इन नेचर एंड देयर कैल्साइटिक इन कम्पोजिशन. नाउ वो कहाँ पे पाए जाते हैं? दैट इज दे आर फाउंड विद इन द फोटिक जोन बिकॉज दे आर प्लैंक्टोनिक इन नेचर. नाउ जो बेंथिक फोरामिनिफेरास है वो क्या है? वो इंक्लूड करते हैं जनरली द ओशन बॉटम फॉर्म्स. द फॉर्म्स दैट ड्वेल विद इन द ओशन बॉटम्स, दे आर फाउंड विद इन द बेंथिक फोरामिनिफेरा और दे आर ग्रुप्ड विद इन द बेंथिक फोरामिनिफेरास. अब क्या देखा जाता है कि जो बेंथिक फोरामिनिफेरास है वो किस टाइप के होते हैं? आइदर दे आर स्मॉलर इन साइज और लार्जर इन साइज, एंड अकॉर्डिंगली दे आर नोन एज द स्मॉलर बेंथिक फोरामिनिफेरा और लार्जर बेंथिक फोरामिनिफेरा. ठीक है, अब देखो जो स्मॉलर बेंथिक फोरामिनिफेरा, जैसे मैंने कहा कि दे आर स्मॉल साइज्ड, ओके, दे आर ऑल्सो नोन एज द आर स्ट्रेटेजिस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो दैट द स्मॉलर बेंथिक फोरामिनिफेरा, उनको आर स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है. क्यों? बिकॉज वो स्मॉलर साइज के होते हैं. क्यों स्मॉलर साइज के होते हैं? क्योंकि वो मैच्योरिटी बहुत क्विकली अटेंड कर जाते हैं. ड्यू टू देम अटेनिंग मैच्योरिटी एट अ फास्टर रेट, देयर साइज डज नॉट इंक्रीज कंसिडरेबली, दे रिमेन स्मॉल साइज, एंड सो दे आर कंसिडर्ड टू बी द आर स्ट्रेटेजिस्ट एंड दे आर नोन एज द स्मॉलर बेंथिक फोरामिनिफेरा. ठीक है, दे आर जनरली वेरी वाइडली यूज इन द रीजियनल स्ट्रेटिग्राफी में बहुत यूज होता है. ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रीजियनल स्ट्रेटिग्राफिक इंडिकेटर्स. नाउ लार्जर बेंथिक जो फोरामिनिफेरास है, एज द नेम सजेस्ट, दे आर ऑफ लार्ज साइज. ठीक है, और इनको भी एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, दैट इज द के स्ट्रेटेजिस्ट. वाई? बिकॉज दे आर अ रिलेटिवली लार्ज टेस्ट एंड लॉन्गर लाइफ स्पैन. नाउ इन द केस ऑफ आर स्ट्रेटेजिस्ट, हम लोगों ने क्या देखा? अगर वो क्विकली मैच्योरिटी अटेन कर रहे हैं, देन दे हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड देयर साइज इज स्मॉल. ठीक है, बट इन द केस ऑफ लार्जर बेंथिक फोरामिनिफेरा हम लोग क्या देख रहे हैं? दैट इज देयर लाइफ स्पैन इज लार्ज और लॉन्ग, एंड सो देयर साइज इंक्रीजेस कंसिडरेबली ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन टिल दे अटेन देयर मैच्योरिटी, एंड सो दे आर नोन एज द के स्ट्रेटेजिस्ट एंड दे आर द लार्जर बेंथिक फोरामिनिफेरास. ठीक है, और क्या है? द लार्जर बेंथिक फोरामिनिफेरा दे शोज अ कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर. उनमें क्या होता है? क्योंकि उनमें जो सरफेस एरिया है वो लार्ज है, सो देयर इंटरनल स्ट्रक्चर इट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर. ठीक है, मेनली ये याद रखो, दैट इज द स्मॉलर बेंथिक फोरामिनिफेरा, उनको आर स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है. क्यों? क्योंकि वो मैच्योरिटी बहुत जल्दी अटेन करने की वजह से स्मॉल साइज के होते हैं. और लार्जर बेंथिक जो फोरामिनिफेरा है उनको के स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है. वाई? बिकॉज दे अटेन देयर मैच्योरिटी लेटर, बिकॉज दे हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन, एंड सो दे हैव अ रिलेटिवली लार्जर साइज एंड कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर. ओके, नाउ अब जो फोरामिनिफेरा के बारे में मैं अब तक बता रही थी, दैट देयर साइटोप्लाज्म और सॉफ्ट टिश्यूज आर इनक्लोज्ड विद इन अ हार्डर कवरिंग, आउटर कवरिंग, उनको हम क्या बोलते हैं? दिस आउटर कवरिंग जिनमें साइटोप्लाज्म इनक्लोज्ड है, इट इज कॉल्ड एज द टेस्ट बोलते हैं. अब क्या है? दीज टेस्ट और द आउटर शेल जनरली शो डिफरेंट कॉम्पोजिशंस. ठीक है, एंड दीज कॉम्पोजिशंस आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स. तीन टाइप के होते हैं देखे जाते हैं इन फोरामिनिफेरा, दैट इज टेक्टिन मिनरल मैटर कंसिस्टिंग, या फिर एग्लूटिनेटेड पार्टिकल्स होते हैं. अब टेक्टिन क्या होता है? दैट इज द सिक्रीटेड ऑर्गेनिक मैटर, दे मेक्स अप द टेस्ट. द टेस्ट और द आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ सिक्रीटेड ऑर्गेनिक मैटर और टेक्टिन, और द टेस्ट इज मेड अप ऑफ सिक्रीटेड मिनरल मैटर लाइक कैल्साइट, एरागोनाइट और सिलिका, और द टेस्ट इज मेड अप ऑफ एग्लूटिनेटेड पार्टिकल्स, दैट इज द पार्टिकल्स दे कम एंड स्टिक ऑन टू द सर्फेस ऑफ द
टेस्ट, ठीक है. दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द टेस्ट. इट इज कंपोज ऑफ आइदर टेक्टिन, दैट इज द ऑर्गेनिक मैटर, और मिनरल मैटर कंसिस्टिंग ऑफ एरागोनाइट, कैल्साइट और सिलिका. एंड इट मे कंसिस्ट ऑफ एग्लूटिनेटेड पार्टिकल्स, दैट इज द पार्टिकल्स दैट कम एंड एडियर ऑन टू द सर्फेस ऑफ द टेस्ट, ठीक है. नाउ टेस्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिया. इन द केस ऑफ द चेम्बर टाइप्स, चेम्बर टाइप्स में क्या क्या है, दैट इज जो फोरामिनिफेरा है, एज दे ग्रो दे नीड अ लार्जर मतलब चेम्बर सो दैट दे कैन फिट इन टू. अब क्या देखा जाता है, जनरली ये जो चेम्बर्स होते हैं, आइदर अ सिंगल चेम्बर इज प्रेजेंट और मल्टीपल चेम्बर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, मल्टीपल चेम्बर्स आर प्रेजेंट. इन द केस ऑफ द फिगर 1 and 2 व्हाट यू सी इज अ सिंगल चेम्बर. यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली अ सिंगल चेम्बर इज प्रेजेंट. सो व्हेन द टेस्ट इट कंसिस्ट ऑफ सच अ सिंगल चेम्बर्स, दैट इज इट इज नोन एज अ यूनिलोक्यूलर टेस्ट एंड दे आर कॉल्ड एज अ मोनोथैलामस. मोनोथैलामस फॉर्म्स कौन से होते हैं, दैट इज इन विच द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन चेम्बर, ठीक है, दैट इज इट इज यूनिलोक्यूलर इन नेचर. बट इन द केस ऑफ पॉलीथैलामस फॉर्म्स देयर टेस्ट इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चेम्बर्स और इट इज नोन एज अ मल्टीलोक्यूलर टेस्ट, लाइक हियर इन फिगर 3. यहाँ पे क्या देख रहे हो, दैट वन चेम्बर इज एडेड एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट चेम्बर्स आर एडेड इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस, है ना. यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीलोक्यूलर चेम्बर्स, मल्टीपल चेम्बर्स आर बींग एडेड, ठीक है, एंड दिस इज द एपर्चर, ओके. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीथैलामस और मल्टीलोक्यूलर टेस्ट एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोथैलामस और यूनिलोक्यूलर टेस्ट. नाउ हियर यू कैन सी इन द केस ऑफ अ मल्टीलोक्यूलर टेस्ट दैट वन एंड इट टैपर्स एंड इट डज नॉट हैव एन अपर्चर, एन अपर्चर विच इज प्रेजेंट एट द ऑपोजिट एंड इट शोज द डिस्टल एंड, ओके, इट शोज द डिस्टल एंड ऑफ द टेस्ट एंड दीज अपर्चर दे आर कंसिडर्ड टू बी द फ्रंट डोर. फ्रंट डोर क्यों, बिकॉज दे एक्ट्स टू हेल्प इन द पैसेज ऑफ फूड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है. In the aperture, which signifies that it is the distal end of the test, it acts as a front door. Front door kyun? It allows the food to come in and the excretory material to be ejected out from the test. Theek hai? Ab dekho, another feature is that the prolocules. Prolocules kya hote hain? We have seen ki initial jo chambers hote hain, hai na? Jo initial chambers hote hain, जहाँ से ऑर्गेनिज्म ग्रोथ स्टार्ट करता है, दीज इनिशियल चेम्बर्स दे आर कॉल्ड एज द प्रोलोक्यूलस, ठीक है. दीज इनिशियल चेम्बर्स दे आर कॉल्ड एज द प्रोलोक्यूलस. इन द केस ऑफ फोरामिनिफेरा द इनिशियल चेम्बर्स प्रेजेंट इन द मल्टीलोक्यूलर फॉर्म दे आर नोन एज अ प्रोलोक्यूलस, ठीक है. और सिंगल चेम्बर्ड फॉर्म में एक ही चेम्बर है, वहाँ पे प्रोलोक्यूलस का कोई मीनिंग नहीं है. सो इन द केस ऑफ अ मल्टी लोक्यूलर फॉर्म वी हैव अ प्रोलोक्यूलस और अ इनिशियल चेम्बर, ठीक है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द डाइमॉर्फिज्म इन फोरामिनिफेरा. नाउ लिसन केयरफुली, डाइमॉर्फिज्म ये जो टर्म है इससे क्या सिग्निफाई करता है. डाई फर्स्ट इट मीन्स टू, मॉर्फिज्म मतलब क्या है, टू मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ओके, और टू डिफरेंट शेल टेस्ट टाइप और शेल टाइप्स आर फॉर्म विद इन द फोरामिनिफेरा, ठीक है. टू डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज आर फाउंड विद इन अ फोरामिनिफेरा, देयरफॉर द फोरामिनिफेरा शोज डाइमॉर्फिज्म. नाउ ये क्या होता है, इन द केस ऑफ द फोरामिनिफेरा इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट द फोरामिनिफेरल टेस्ट इज आइदर मेगालोस्फेरिक इन फॉर्म और इट इज माइक्रोस्फेरिक इन फॉर्म, ठीक है. इन द केस ऑफ द मेगालोस्फेरिक फॉर्म्स जनरली इट इज सीन दैट द प्रोलोक्यूलस, ये कौन सा पार्ट है, दैट इज द इनिशियल चेम्बर, लेटर अदर चेम्बर्स आर एडेड सक्सेसिवली, है ना. सो द प्रोलोक्यूलस दैट इज द इनिशियल चेम्बर इट इज लार्जर इन साइज. ये क्या हो रहा है, दैट इज द
larger as compared to the other chambers that surrounds the prolocutus. ठीक है, in that case the test is said to be megalospheric. Okay, and when it is observed in foraminifera that the prolocutus is smaller in size as compared to the other successive surrounding chambers, then it is known as a microspheric form. समझ में आया? मेगालोस्फेरिक मतलब क्या है? मेगा मतलब क्या है? द प्रोलोक्यूलस इज लार्जर देन द अदर सराउंडिंग सक्सेसिव चेंबर्स, देन इट इज कॉल्ड अ मेगालोस्फेरिक फॉर्म. एंड व्हेन द प्रोलोक्यूलस इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द सक्सेसिव सराउंडिंग चेंबर्स, देन इट इज नोन एज अ माइक्रोस्फेरिक फॉर्म. ठीक है, नाउ इन द केस ऑफ द टेस्ट, एज आई हैव टोल्ड यू दैट द टेस्ट इट विल ग्रो इन साइज एज द ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग. ठीक है, अब क्या जाता है, देखा जाता है कि द टेस्ट शोज टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ, दैट इज अ कंटेंट ग्रोथ और अ कंटिन्यूअस ग्रोथ. ठीक है, नाउ इन द केस ऑफ अ कंटेंट ग्रोथ क्या देखा जाता है, दैट दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज मेनली फाउंड विद इन द यूनिलोक्यूलर फॉर्म्स, दैट इज द टेस्ट हैविंग ओनली वन चेंबर. नाउ एज ओनली वन चेंबर इज प्रेजेंट, सो द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो एनी फर्दर चेंबर्स, है ना. तो क्या होगा, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इट विल हैव अ स्पेसिफाइड एरिया फॉर इट्स ग्रोथ. एंड जैसे ही बॉडी साइज इंक्रीज करेगा, इट विल पुश अपार्ट ऑन टू द टेस्ट वॉल. सो विद टाइम दिस टेस्ट विल बी लेफ्ट वैकेंट एंड अ न्यू लार्जर टेस्ट विल बी ग्रोन बाई द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो यूनिलोक्यूलर फॉर्म्स होते हैं इनमें देखा जाता है जनरली कंटेंट ग्रोथ, दैट इज द टेस्ट इट शोज वेरी लिटिल और नो कैपेसिटी ऑफ एनलार्जमेंट, है ना. टेस्ट क्या है, इट इज़ हार्डर इन नेचर, इट कैन नॉट शो एनी एनलार्जमेंट, इट इज़ नॉट इलास्टिक इन नेचर. सो इन दीज यूनिलोक्यूलर फॉर्म्स एज द टेस्ट हैव वेरी लिटिल कैपेसिटी ऑफ एनलार्जमेंट, सो द फोरामिनिफेरा विल ट्राई टू रिजल्ट इन द रीबिल्डिंग ऑफ द वॉल. जितना वो कर सकेगा इट विल रीबिल्ड इट्स वॉल सो दैट इट कैन हैव अ ग्रेटर एरिया, बट एज द टेस्ट इज रिजिड इन नेचर इट विल नॉट हैव अ हायर अमाउंट ऑफ एरिया टू ग्रो. सो इन दैट केस न्यू चेंबर्स विल बी फॉर्म्ड और द न्यू टेस्ट विल बी फॉर्म्ड दैट हैव ओनली वन चेंबर. ठीक है, नाउ इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ क्या देखा जाता है, जनरली मल्टीलोक्यूलर फॉर्म्स दे शो कंटिन्यूअस ग्रोथ वेयर कंटिन्यूअस चेंबर्स आर बीइंग एडेड ऑन टू द ओल्डर वंस. ठीक है, नाउ इन द केस ऑफ द कंटिन्यूअस ग्रोथ आइदर हियर द टेस्ट ग्रोथ इज पीरियोडिक, that is with time periodically new chambers are being added so that it could accommodate the living growing organism, and larger chambers that are added at relative interval. ठीक है, now each chamber they are provided with a distinct apertural face. each chamber ये क्या है, distinct apertural face से provided है. ठीक है, now this part it is called the septum. okay, I have told you that the junction between the two chambers it is known as the septum. this is the apertural face or the foramen. initially jab ye chamber tha iske liye ye aperture tha, then ye chamber aaya, so this is the aperture for it, then this one came, so this is the aperture for it. so with continuous addition of the chamber this is the opened area of the foramen. theek hai, now in the case of the generally it is seen that इन अ सिंपल केस, इन अ सिंपल सेप्टेट ग्रोथ क्या देखा जाता है, द कंटिन्यूअस पीरियोडिक एडिशन होता है, दैट इज द चेंबर्स दे शो अ कंटिन्यूअस पीरियोडिक एडिशन एंड द चेंबर्स दे आर एडेड एट अ रेगुलर इंटरवल. ओके, दिस शोज अ सिंपल सेप्टेट ग्रोथ, बट इन मेनी केसेस इट इज सीन दैट द लार्जर पेंथिक फोरामिनिफेरा जो मैंने कहा था, जो क्या बोलते हैं के स्ट्रेटेजिस्ट, उनमें क्या जाता है, देखा जाता है दैट इज द कॉम्प्लेक्स सेप्टेड ग्रोथ देखा जाता है.
whether chambers shape are greatly modified. यहाँ पर क्या देखा जाता है, this simple septate growth when the chamber shape is greatly modified and we do not find this regular pattern of the chamber arrangement, the chambers may be subdivided by partitioning into chamberlets. यहाँ पर partitioning होके generally we can find some chamberlets, ठीक है, and this with multiple aperture, and this type of growth it is known as a complex septate growth. In a simple septate growth, continuous periodic addition of tubular chambers occur, but in a complex septate growth generally found in larger benthic foraminiferas, what it is seen that the chambers, they are internally divided to form chamberlets and they have multiple apertures. Now next, what we have, the wall structure and composition. Now see, we have every time seen that the organisms wall structure and composition, okay, here also we will see the same, that is the wall structure and composition of the foraminifera. Foraminifera mein mainly jo dekha jata hai, jo wall structure and compositions, mainly the compositions that are seen are the organic wall tests. The tests are either organic walled, they are either agglutinated in nature, or they are microgranular in nature, okay, or they are calcareous in nature. Ab dekho, in the case of the organic walled test, ठीक है, जो organic walled test मैंने कहा था, जिसको मैं बोल रही थी कि क्या बोला जाता है, tectin, the tectin composing tests. They are mainly found within the suborder Allochromina. Very very important. ये जो type का test है and the specific example of the suborder, it is very many times asked within the questions. So please keep in mind that the organic wall जो test है वो कहाँ पर मिलता है, that is it is found within the suborder Allochromina. ये generally these tests are thin, non-rigid test and proteinaceous or pseudo-chitinaceous matter से ये बनते हैं, ठीक है. The organic wall test, it will either be formed of proteinaceous or pseudo-chitinaceous matter and they are collectively called as the tectin, ठीक है. It is found within the suborder Allochromina. Then agglutinated test कहाँ पे मिलता है, it is found within the suborder Textularina and it encompasses the agglutinated test, the suborder Textularina. And these tests, they are organic and mineral matter that from the seafloor get bound together by any organic or calcareous or ferric oxide cement. क्या देखा जाता है, that is the surface of the test, okay, to the surface of the test generally जो और जो सी फ्लोर पार्टिकल्स है, द पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द सी फ्लोर दैट मे बी ऑर्गेनिक और मिनरल मैटर, दे कम एंड बाइंड ऑन द सर्फेस ऑफ द टेस्ट एंड दिस बाइंडिंग इज फॉर्म बाय सम ऑर्गेनिक कैल्केरियस और फेरिक ऑक्साइड सीमेंट, ठीक है. और ये जो बाइंडिंग हो रहा है और एडहेरेंस ऑफ द ऑर्गेनिक और मिनरल मैटर ऑन टू द टेस्ट सर्फेस बाय द हेल्प ऑफ सम सीमेंट, this results in the agglutinated test, ठीक है. Now in the case of the binding grains जो है, that is the organic or mineral matters that are present that acts as a binding particles on the test surface, what are they? They are either coccoliths, they are either sponge spicules or they are heavy minerals, ठीक है. Coccoliths, sponge spicules क्या है, organic matters है, और heavy mineral क्या है, mineral matters है, okay. Now in the case of microgranular test, the microgranular test, it is seen in the suborder Fusillinina. In the suborder Fusillinina, what we find, the microgranular test, okay, they are mainly characterized by presence of numerous microgranules, theek hai, microgranules present hote hain that gives the wall a fibrous appearance. So when the test wall, it consists of several microgranules, ओके, सो क्या होगा, इट विल गिव अ फाइब्रस अपीयरेंस, ठीक है, इट विल गिव अ फाइब्रस अपीयरेंस टू द वॉल ऑफ द टेस्ट. सो दे आर नोन एज द माइक्रोग्रेन्युलर टेस्ट एंड फाउंड विद इन द सबऑर्डर फ्यूजिलिनिना. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कैल्केरियस टेस्ट. तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, दैट इज द ऑर्गेनिक वॉल टेस्ट जो टेक्टिन से बनता है,
The agglutinated test, where the organic or any mineral matter like the coccolates, the spawn spicules or any heavy mineral, they adhere onto the test surface and bind by cements like ferric oxides or calcareous cements. Then what we have seen is the microgranular form found in the suborder Fusi, Lilina. Then calcareous test देखते हैं. अब क्या है, the fourth form is the calcareous test. मतलब क्या है, organic wall test. Then what we have is the agglutinated test. Then what we have is the microgranular test. Then the test which is calcareous in composition, calcareous test. ये जो test होते हैं, ये generally किस type के होते हैं? That is, it is either porcellaneous imperforate tests or hyaline perforate test or microgranular test. Remember that the calcareous tests, they are of three types, that is porcellaneous imperforate, hyaline perforate or microgranular test. Now what do you mean by the porcellaneous imperforate test? Ye term ka matlab samjho, that is the characteristic, it is found within the suborder Meliolina. Very important, the Meliolina, it shows the porcellaneous imperforate test, which is a type of the calcareous test. And another important is that the porcellaneous imperforate test, they do not consist of any pores. Generally it is called as a mural pores, matlab they do not consist of any pores, okay, and are distinctively, they are milky white in reflected light. When these tests, they are, as they are microfossils, they are observed within the microscope, and so when they are observed in the reflected light, they generally shows a distinctive milky white appearance. And in this case, these porcellaneous imperforate tests, they are constructed by tiny needles of high magnesium calcite, theek hai, and they are mainly arranged in most part, but the outer and inner surfaces, they are coated with a layer of horizontally arranged needle. यहाँ पे क्या देखा जाता है, that is the porcellaneous imperforate जो test है, these test types are found within the suborder Meliolina and they lack mural pores, they lack any types of pores on the test surface, and this they shows a distinctive milky white appearance in reflected light. They are constructed of mainly high magnesium calcite needles that show a random arrangement throughout the means different parts, but the outer and the inner surface of the test, they are coated with horizontally arranged needle. Okay, the outer and the inner surface, they are coated with horizontally arranged needle, but in other way they shows a random arrangement of these high magnesium calcite needles. Now, in the case of the hyaline perforate test, they show a glassy appearance when viewed in reflected light. Please remember that the porcellaneous imperforate test, they shows a milky white appearance in reflected light, and the hyaline perforate test, they shows a glassy appearance in reflected light, and they are characterized by the presence of mural pores. Inme kya hota hai? Mural pores milte hain. Ab kya dekha jata hai? That the hyaline perforate test, they are found within six suborders. ठीक है, ये जो suborders है, ये range कहाँ से करते हैं? Mesozoic to Cenozoic time में पाए जाते थे, and they are either composed of low or high magnesium calcite. ठीक है, now ये बोल रहे हैं, the suborders, what are they? The Spirillina, the Globigerina and the Rotalina. Please remember that in the case of the hyaline perforate test, when it is composed of low or high magnesium calcite, what are the suborders? They are Spirillina, Globigerina and Rotalina. But when it is composed of aragonite, what are the suborders? That is Involutinina and Robertinina. Okay? And the third is the microgranular test. As I have discussed earlier, microgranular test ke baare mein bataya tha. Okay? नेक्स्ट क्या है, वॉल अल्ट्रास्ट्रक्चर. वॉल अल्ट्रास्ट्रक्चर को देखो, इन द केस ऑफ द टेस्ट, हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं. दैट इज व्हाट आर दे, दे आर आइदर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक वॉल्ड टेक्टिन, दे आर एग्लूटिनेटेड टेस्ट, और दे आर माइक्रोग्रैन्युलर इन नेचर, और दे आर कैल्केरियस वॉल्ड टेस्ट. ठीक है, दैट इज आइदर हाइलिन दे आर हाइलिन परफोरेट, पोर्सिलेनियस इम परफोरेट और माइक्रोग्रैन्युलर इन नेचर.
नाउ इन द केस ऑफ द वॉल अल्ट्रास्ट्रक्चर, ठीक है, उनमें क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट आर फाउंड विद इन द वॉल्स ऑफ द टेस्ट, व्हाट आर दे, दैट इज द आइदर द वॉल्स आर नॉन लैमिनर इन हैविंग अल्ट्रास्ट्रक्चर्स और लैमिनर अल्ट्रास्ट्रक्चर्स. नाउ इन द केस ऑफ द नॉन लैमिनर अल्ट्रास्ट्रक्चर्स व्हाट डू यू मीन बाय दैट, दैट हियर देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ प्रीवियस चेंबर वॉल बाय द न्यू वॉल एंड एज दे आर फॉर्म्ड. ठीक है, यहाँ पे देखो इन द केस ऑफ द फर्स्ट फिगर नॉन लैमिनर वॉल्स व्हाट यू सी, दिस इज द फर्स्ट चेंबर दैट इज फॉर्म्ड एंड दिस इज द सेकेंड चेंबर दैट इज फॉर्म्ड. कंटिन्यूअस चेंबर्स आर बींग एडेड, बट व्हाट यू सी इन द सेकेंड फिगर दैट द फर्स्ट चेंबर हैज बीन ओवरलैप्ड बाय द सेकेंड चेंबर एंड द सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड चेंबर दे आर इन टर्न ओवरलैप्ड बाय द थर्ड चेंबर. सो यू कैन नॉट सी एनी सच ओवरलैपिंग इन दिस फिगर वन, और फिर फिगर ए में कुछ ओवरलैपिंग नहीं दिख रहा है. सिंपल है, दैट इज चेंबर वन देन चेंबर टू एंड चेंबर थ्री आर कंटिन्यूअसली एडेड पीरियडिकली. सो इफ देर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ द न्यू चेंबर ओवर द ओल्डर वंस देन दे आर नोन एज द नॉन लैमिनर अल्ट्रास्ट्रक्चर. ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि जो लैमिनर अल्ट्रास्ट्रक्चर्स है उनमें दो टाइप के होते हैं, दैट इज द मोनोलैमिनर अल्ट्रास्ट्रक्चर एंड द मल्टीलैमिनर अल्ट्रास्ट्रक्चर. अब बोल रहे हैं इन द केस ऑफ अ मोनोलैमिनर अल्ट्रास्ट्रक्चर, सी व्हाट यू सी हियर इज ओनली देयर इज अ सिंगल लेयर दैट ओवरलैप्स द प्रीवियस चेंबर. ठीक है, इन द केस ओनली अ सिंगल लेयर इट ओवरलैप्स द प्रीवियस चेंबर. ठीक है, ओनली वन इज ओवरलैप बाय टू एंड टू वन एंड टू इज ओवरलैप्ड बाय थ्री, ओनली अ सिंगल लेयर. ठीक है, एंड बाइलैमिनर मतलब क्या है, यू कैन सी हियर दैट द फर्स्ट चेंबर हैज बीन ओवरलैप्ड बाय टू एंड द थ्री इज देयर विच ओवरलैप्स दिस चेंबर. ठीक है, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द बाइलैमिनर फॉर्म. ठीक है, नाउ इन द केस ऑफ द मोनोलैमिनर समझ में आया, दैट इज हियर ईच चेंबर इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर, ओनली अ सिंगल लेयर इज प्रेजेंट. एज यू कैन सी ओनली अ सिंगल लेयर इज प्रेजेंट, एक ही लेयर से बना हुआ है. ठीक है, ये एक लेयर से बना हुआ है, ये भी एक ही लेयर से बना हुआ है. Similarly, you can see the blackened outer layer 3, it is made up of only one layer which also overlaps the previous chamber, okay, and it is generally found within the finely perforated suborder lagenina. ठीक है, lagenina में मिलता है. Example क्या है, that is the monolamellar ultrastructure, it is found within the suborder lagenina of foraminifera. Now मल्टीलैमिनर क्या है, मल्टीलैमिनर अल्ट्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, दिस इज जनरली फाउंड विद इन द हायलिन फॉर्म्स. अभी मैंने कहा था दैट इज द हायलिन परफोरेट टेस्ट, इट इज फाउंड विद इन द हायलिन फॉर्म्स एंड ईच चेंबर वॉल इज हियर कंपोज्ड ऑफ टू डिस्टिंक्ट लैमेले ऑफ कैल्साइट. मतलब क्या है, देखो हियर व्हाट यू कैन सी, देयर इज अ टू डिस्टिंक्ट लैमेले. हियर यू कैन सी दैट देयर आर टू डिस्टिंक्ट लैमेले, मतलब क्या है, एक दो, ये जो लैमेलीज हैं देर आर टू इन नंबर्स, ओके, एंड दीज टू लैमेलीज ऑफ ईच वन टू एंड थ्री, ये दो दो लैमेलीज से बन रहे हैं, दैट इज दे आर बायलैमेलर इन नेचर एंड दीज दे ओवरलैप द प्रीवियस ओल्डर चेंबर, सो दे आर नोन एज द बायलैमेलर वंस, ओके. एंड सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मल्टी लैमेलर अल्ट्रास्ट्रक्चर क्या है, दैट इज वेन देयर इज bilamellar type of forms that overlaps the previous chamber. ठीक है, and a special case it is found in the suborder rotalina, that is in the case of the rotalina में क्या देखा जाता है, that is the inner lamellae, it coats the previous apertural face and forms septal flap together with the space called rotalid canal. देख, in this case you can see that the rotalina, this is the chamber of the, means this is the lamellae of the first chamber. ठीक है, यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, that is this is the second chamber and this second chamber is in turn
इट ओवरलैप्स द फर्स्ट वन, ठीक है. और जो थर्ड चेंबर हम लोग देख रहे हैं, दैट इज द थर्ड चेंबर, इट इन टर्न ओवरलैप्स द फर्स्ट एंड द सेकेंड वन विद द रोटालिट कैनल, ठीक है. ये जो पार्ट्स हैं, दीज आर फॉर्म एज द रोटालिट कैनल. सो इन द केस ऑफ द सबऑर्डर रोटालिना, यहाँ पे देखा जा रहा है कि इनर जो लैमेली है ना, द टू लैमेलीज, आउट ऑफ द टू लैमेलीज, द इनर लैमेली, इट कोट्स द प्रीवियस एपर्चुरल फेस. एज यू कैन सी दैट द इनर लैमेली इज कोटिंग द एपर्चुरल फेस. हियर द एपर्चुरल फेस, इट इज कोटेड बाई द इनर लैमेली, है ना. ये जो लैमेली है, दिस इज द इनर लैमेली, इट कोट्स द एपर्चुरल फेस, एंड द आउटर पार्ट इट कोट्स द अदर चेंबर्स एंड फॉर्म्स अ सेप्टल फ्लैप टुगेदर विद द स्पेस कॉल्ड रोटालिट कैनल, ठीक है. इट फॉर्म्स अ सेप्टल फ्लैप टुगेदर विद द स्पेस, इट इज नोन एज द रोटालिट कैनल, ठीक है. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द लिविंग फोरामिनिफेरा. लिविंग फोरामिनिफेरास में क्या देखा जाता है, दैट इज द सेल, एंड जनरली व्हाट वी सी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइफ साइकिल दैट दे कंसिस्ट ऑफ. नाउ इन द केस ऑफ द सेल, व्हाट दे कंसिस्ट ऑफ, द लिविंग फोरामिनिफेरा, वी नो दैट दे आर द सिंगल सेल्ड इन नेचर, ओके. दे आर सिंगल सेल्ड इन नेचर एंड दे हैव डिफरेंट, दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू टू लेयर्स, ठीक है. जो उनका बॉडी वॉल है, दे कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स. व्हाट आर दे, दैट इज द आउटर लेयर ऑफ क्लियर एक्टोप्लाज्म, ओके. द आउटर लेयर यू कैन सी हियर, दैट इज द आउटर लेयर. ये क्या है, क्लियर एक्टोप्लाज्म से बना हुआ है. दिस इज द आउटर लेयर एंड दिस आउटर लेयर इन टर्न गिव्स राइज टू दीज स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज द स्यूडोपोडियाज. ये जो स्यूडोपोडियाज होते हैं, ये जो आउटर लेयर से बन रहे हैं, दैट इज द स्यूडोपोडियाज, दे आर कनेक्टेड विद द आउटर लेयर, दीज आर द स्यूडोपोडियाज. व्हाट इज द फंक्शन, दे हेल्प्स इन ट्रैपिंग ऑफ प्रे एंड एंकरेज ऑफ द टेस्ट विद इन केस ऑफ बेंथिक फोरामिनिफेरा, ठीक है. ये जो स्यूडोपोडियाज हैं, ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन ट्रैपिंग ऑफ द प्रेस, दे ट्रैप द प्रेस एंड हेल्प देम टू एनगल्फ, ठीक है, थ्रू द एपर्चुरल फेस. एंड अनदर इज दैट दे हेल्प टू एंकर द टेस्ट इन द केस ऑफ बेंथिक फोरामिनिफेरा में. तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, द वॉल इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, द आउटर क्लियर एक्टोडर्मल लेयर एंड द इनर डार्कर एंडोडर्मल लेयर. एज यू कैन सी हियर इज द डार्कर इनर एंडोडर्मल लेयर एंड दीज टू लेयर दे कंप्राइजेस द इनर साइटोप्लाज्मिक पार्ट, ठीक है. नाउ इन द केस ऑफ द लाइफ साइकिल, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इन द केस ऑफ द लाइफ साइकिल, व्हाट वी कैन सी इन द फोरामिनिफेरा, दे शोज ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन. द फोरामिनिफेरास, दे शोज ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन बिटवीन टू जेनरेशन, दैट इज अ गैमॉन जेनरेशन, एंड दिस गैमॉन जेनरेशन दे रिप्रोड्यूसेस सेक्शुअली, एंड द एगेमॉन जेनरेशन दैट रिप्रोड्यूसेस असेक्शुअली. नाउ इन द केस ऑफ द एगेमॉन जेनरेशन, व्हाट यू कैन सी दैट द एगेमॉन जेनरेशन, यहाँ पे देखो इन द पिक्चर, दिस फर्स्ट वन इज द एगेमॉन जेनरेशन विद अ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम. ये क्या करते हैं, दे अंडरगोज मल्टीपल फिशन, दे अंडरगोज मल्टीपल फिशन, ठीक है, दे अंडरगो मल्टीपल फिशन, ओके, एंड दे फॉर्म न्यूमरस हैप्लॉयड डॉटर सेल्स, दीज आर द न्यूमरस हैप्लॉयड डॉटर सेल्स, ठीक है. ये जो भी देख रहे हो, दीज आर द डॉटर सेल्स दैट हैव एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दे आर हैप्लॉयड क्रोमोसोमल नंबर. नाउ विद टाइम दीज डॉटर सेल्स दे शो चेंबर फॉर्मेशन, हाँ, एंड दे ऑल्सो हैव अ हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड विद द टाइम एज दिस ऑर्गेनिज्म दे अटेन मैच्योरिटी, दे releases the gametes in water, and these gametes they generally consist of two whip-like flagella. ये जो gamete है ना, इनमें दो whip-like flagellas होते हैं. These are the flagellas. They are whip-like in nature. They consist of two whip-like flagellas. Okay, and they also have a haploid number of chromosomes. And what it is seen that the gamete generation they divide by the process of mitosis to form the haploid gametes. It is known as the gametogenesis. Okay,
What does this mean? That the gamete, which is a haploid number of chromosome, it forms the gametes by the process of gametogenesis. ठीक है. And it is seen that these gametes, they have a whip-like flagella. They appear two whip-like flagella. And when released from the parent test, जब parent test से ये gametes released हो चुके हैं, they fuses, that is by sexual reproduction, to form the next agamont generation with a diploid number of chromosome. ठीक है. अब क्या देखा जा रहा है कि जो agamont generation है with a diploid number of chromosome, it undergoes multiple fission to form the haploid daughter cells. ठीक है. These haploid daughter cells, with time they grow chambers, and as they attain maturity, the parent, they releases the gametes which bear two whip-like flagella. They also have a haploid number of chromosomes. These gametes, they are formed by gametogenesis from the gamete, and with time they fuses by the process of sexual reproduction to form the zygotes, and finally we have the agamont with a diploid number of chromosome. Samajh mein aaya? This it means agamont se gamete aur gamete se agamont formation ko hum log kya bol rahe hain? Alteration of generation. Theek hai. Next kya hai? Dekho. नेक्स्ट क्या है? फीचर्स दैट आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट सब ऑर्डर्स. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ आई हैव मार्क्ड फॉर यू दीज मार्क्ड टाइप्स. ये थोड़ा पढ़ो, क्योंकि ये जो टेबल है ना, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. प्लीज़ कीप इन माइंड दैट द सब ऑर्डर, देयर वॉल स्ट्रक्चर एंड देयर रेंज, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इन केस ऑफ एलोग्रोमिना, एलोग्रोमिना कहाँ पर है? अपर कैम्ब्रियन टू रीसेंट. ठीक है, रेंज बहुत पूछा जाता है. द एलोग्रोमिना अपर कैम्ब्रियन टू रीसेंट, टेक्सटुलरिना अपर कैम्ब्रियन टू रीसेंट फॉर्म, द फ्यूजिलिना ये क्या है? लोअर सिलूरियन टू अपर परमियन फॉर्म. देन क्या है? इनवल्यूटिनिया, ये है लोअर परमियन टू अपर क्रिटेशियस टू रीसेंट फॉर्म. ठीक है. देन व्हाट वी हैव इज स्पाइरुलिना, जहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरुलिना, ये क्या है? अपर ट्रायसिक टू रीसेंट फॉर्म. देन मिलियोलिना, वी हैव द कार्बोनिफेरस टू रीसेंट फॉर्म, वेयर क्विंक्यूओ क्यूलिना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप दीज नेम्स इन माइंड, सो दैट व्हेन द टाइम रेंज आर गिवन यू कैन अंडरस्टैंड दैट कौन सा टाइम रेंज किस सब ऑर्डर्स के लिए है. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. एंड अदर इम्पॉर्टेंट आर द रोबर्टिना, रोबर्टिना में अपर ट्रायसिक टू रीसेंट. देन ग्लोबिजेरिना, ग्लोबिजेरिना क्या है? मिडल जुरासिक टू रीसेंट. रोटालिना, रोटालिना में क्या है? दैट इज एग्जाम्पल्स क्या है? एमोनिया, एम्फिस्टेजिनिया, बॉलीविया एंड सिबिसाइड्स. दीज आर इम्पॉर्टेंट, दे आर फ्रॉम ट्रायसिक टू रीसेंट फॉर्म. यू हैव टू कीप दीज इन माइंड. I have marked it for you, जो जो important है. ठीक है. Now there are some questions. अभी जो foraminifera के बारे में बताया, there are some questions from these parts. चलो देख लेते हैं. That is, match the following में क्या दिया गया है. The first question is wall composition, and you have to match that with the microfossils. What we have is the calcareous walled, siliceous walled, phosphatic walled and organic walled. What is the microfossils given? Acritarch, conodont, diatoms and ostracod. In the first slide I have told you about this, that please see the options, that is kya hoga calcareous, kya hoga calcareous wall, kahan pe milta hai? Foraminiferas, ostracods, inme milte hain. So one will be D. Two, siliceous wall, diatoms, radiolarians, silicoflagellates, inme milta hai siliceous. Theek hai. Three kya hai? Phosphatic, with no doubt it will be conodont. देन क्या है? ऑर्गेनिक वर्ल्ड, ऑर्गेनिक वर्ल्ड मैंने कहा स्पोर्स एंड पोलेंस, एक्रीटार्च, इसमें मिलता है. ठीक है, डी सी बी एंड ए. सो व्हाट विल बी द ऑप्शन इज बी इज करेक्ट. देन व्हाट वी हैव इज द फोरामिनिफेरा, आर एन इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ द फाइलम. कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? मैंने अभी कहा, दैट इज द सिंगल सेल प्रोटोजोअन्स. ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. देन लार्जर पेंथिक फोरामिनिफेरा, इनको हम क्या बोल रहे हैं? दे आर नोन एज क्या बोलते हैं? आर स्ट्रेटेजिस्ट, के स्ट्रेटेजिस्ट, क्या बोलते हैं?
MP strategist, what is the answer? That is, they are known as the K strategist. Why? Because they have a longer lifespan, due to which their size considerably increases, and they are called as the K strategists. The first formed or the initial chamber in multilocular forms. जो initial chamber मैंने कहा था, in the case of the multilocular forms, the initial chambers that are formed, है ना? The initial chamber which is formed in the multilocular, this initial chamber is known as the proloculus. Okay, the initial chamber aperture, this is the open end aperture test. क्या बोलते हैं? The complete harder part that comprises the or encloses the soft tissues of the cytoplasm, उसको हम test बोलते हैं, septas. That is the junction between the two chambers, उसको हम septa बोलते हैं. Next क्या है? The test in which the proloculus becomes larger than the successive surrounding chambers is called as. देखो, ये जो test है इनमें, इसमें क्या बोला जा रहा है? Proloculus जो है वो larger हो रहा है than the successive surrounding chambers. When the proloculus is larger, generally the term mega is considered, ठीक है? And small में micro considered होगा. So larger, mega. So it will be the megalospheric form, ठीक है? Now I have completed with the section of foraminifera. Foraminifera में जितना important था बता दिया गया है, जो table दिया गया है वो study material में ये सब कुछ मिल जाएगा. Read it nicely, understand it. कोई भी doubt हो, means पूछ लेना, कोई issue नहीं है. And with this the paleontology part is over. In the next class, previous year questions will be discussed. Try to be present, ठीक है? Present रहोगे, सुनोगे, फिर भी अच्छा होगा. And hope class समझ में आया है. Please feel free to like, share and subscribe. And thank you all. Okay, I thank you on behalf of Academia for Earth Sciences and have a good day. Thank you.